मैं? Who am I? ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स ने. तो सबसे पहले मैं हूँ प्रेरणा मलहन, एक ट्रैवल ब्लॉगर और अब एक यूट्यूबर, और मैं जीना चाहती हूँ जिंदगी अपने अलग अंदाज में. मुझे पसंद है घूमना, एयरपोर्ट्स पे टाइम स्पेंड करना, नए लोगों से मिलना और उनकी जिंदगी के बारे में जानना, मिट्टी की खुशबू, बारिश, बहुत सारा एडवेंचर, दुनिया के हर कोने में ढेर सारी मेमोरीज बनाना और जी भर के सोना. मैं घूम चुकी हूँ ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज और चाहती हूँ कि बिफोर टर्निंग 40 196 कंट्रीज सारी की सारी घूम ही लूँ. तो चलो Q&A स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शाउट आउट्स. Hey everyone, welcome back to my channel Wanderlust. Hub. आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पूछे थे कम्युनिटी पे, ऑलमोस्ट 1500 क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स. एंड ऑफ कोर्स आई कैन नॉट टेक अप ऑल द क्वेश्चंस, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स कर दूं, स्पेशली द क्वेश्चंस जो मुझे बहुत पसंद आए. मैं आपको एक स्नीक पीक देने वाली हूं अपनी लाइफ में, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. बट फर्स्ट क्वेश्चन से पहले चाय बना ली जाए, बिकॉज चाय इज लव. मेरे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन भी यही है, डू आई लव चाय? देन हियर इज योर आंसर. तो जब तक मेरी चाय तैयार हो रही है तब तक एक और क्वेश्चन का आंसर कर लिया जाए. सो ये क्वेश्चन पूछा टेक्निकल लक्की जी ने, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है क्रिकेट में, प्लीज आंसर मी. तो क्रिकेट में मेरा फेवरेट प्लेयर करंटली तो विराट कोहली ऑफ कोर्स एंड रोहित एज वेल, बट ऑल टाइम फेवरेट आई विल से महेंद्र सिंह धोनी, ही इज अमेजिंग. सो चाय बन गई है, चाय के साथ सेटल डाउन में हो गई हूँ. अब मैं करने वाली हूँ आपके क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे आराम से बैठ के और अपनी चाय पी के. सो पहले एक सिप पी लिया जाए. एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है रॉयल प्रखर ने, क्वेश्चन है व्हाट एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू. थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी कि कोई लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, बिकॉज़ लिटरली मेरे नेम का मीनिंग भी इंस्पिरेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रखर फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको यूट्यूब वीडियोज करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करना है तो कैमटाशिया से अच्छा सॉफ्टवेयर कोई नहीं हो सकता. दैट्स अ वेरी हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एंड न्यू यूट्यूबर्स के लिए बहुत अच्छा, आई कैन वाउच फॉर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सन्यम साबरा ने, द क्वेश्चन इज वॉट इज योर फेवरेट कार्टून इन योर चाइल्डहुड. सो बेसिकली सन्यम मुझसे पूछ रहा है कि बचपन में मेरा फेवरेट कार्टून कौन सा होता था. सो सन्यम, आई एम अ कम्प्लीट कार्टून गर्ल. इनफैक्ट मुझे आज भी ऐसा लगता है कि कार्टून अच्छे क्यों नहीं आते. सबसे पहले स्कूल से आके कार्टून चैनल ही प्ले करती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दोनों भाई भी कार्टून जैसे हैं. तो मैं कार्टून्स की बहुत बड़ी फैन थी, एंड मुझे याद है मैं डेक्स्टर्स की लैबोरेटरी, पावरपफ गर्ल्स, एंड माय फेवरेट वाज द फ्लिंटस्टोन्स. आई यूज्ड टू लव वो जो स्टोन एज वाला, उन्होंने पूरा एक अपनी लाइफ बनाई हुई थी, एक पूरा वर्ल्ड बनाया हुआ था स्टोन एज वाला, एंड उनकी कार एंड एवरीथिंग वो बहुत फैसिनेटिंग था. एंड मेरा फेवरेट द फ्लिंटस्टोन्स ही होता था. एंड आई ऑल्सो यूज टू लव एडम्स फैमिली, वो भी बहुत अमेजिंग था. एंड स्कूबी डूबी डू, आई कॉन्ट फॉरगेट दैट. पोपॉय द सेलर मैन, एक्चुअली बहुत सारे हैं एंड आई रियली मिस कार्टून. आई रियली होप कि ये सारे दोबारा से आ जाए कार्टून चैनल पे, मैं फिर से देखना चाहूंगी. ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे नैन ने, ही सेज आई एम योर लेटेस्ट सब्सक्राइबर. सो थैंक यू नैन, थैंक यू एंड लव योर वीडियोस. थैंक्स सो मच. थैंक यू. रैपिड फायर क्वेश्चन पूछा गया है. सीरियसली? तो पहले मैं आंसर करूंगी फिर हर्ष. ओके. सो रैपिड फायर इज कपकेक्स और पिज्जा. आई लाइक पिज्जा. पिज्जा यार, ऑफ कोर्स. कार और ट्रेन? ओ साडी गड्डी, काली वरना जिंदाबाद ऑल द टाइम. विंटर और समर? नन, मुझे तो ऑटम स्प्रिंग रेनी सीजन पसंद है. हर्ष तुझे कौन से पसंद है? आई लाइक विंटर्स. इसको विंटर पसंद है. सिंगिंग और डांसिंग? मुझे गाना गाना बहुत पसंद है. गाना? सीरियसली? चूज अदर ऑप्शन आई थिंक. डांसिंग. गाना गाना पसंद है, आता नहीं है वो बात अलग है. सो डांसिंग एनी डे. लास्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग ड्राइव या फिर पार्टीज? सो आपका ये आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा. मैं इस टाइम हूँ लॉन्ग ड्राइव कर रही. लॉन्ग ड्राइव एनी डे. या
आई नीड ए लॉन्ग ड्राइव. ये क्वेश्चन किया है मोइज अहमद ने. क्वेश्चन है, आपको चैनल स्टार्ट करने का सजेशन किसने दिया? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. मैं इतनी देर से यही सवाल पूछ रहा हूँ हर वीडियो में. यार हर वीडियो में पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. मुझे चैनल स्टार्ट करने का सजेशन पहले खुद ही आया था. बहुत साल पहले मैं जब अपना ब्लॉग बनाया था, सोशल मीडिया चैनल्स बनाए थे, तो मैंने इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब हर जगह पे अपना चैनल सेटअप किया था. इनफैक्ट मैं छोटी छोटी वीडियोज़ भी डालती थी विदाउट मच एफर्ट. मैं कुछ भी डालती थी उस टाइम पे. बट देन जब मेरे ब्रदर ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा एंड ही गॉट रियली सीरियस अबाउट इट, और उसने मुझे बताया कि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने YouTube को बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट करा. फिर हर्ष भी मेरे साथ जुड़ गए एंड अब हम दोनों वीडियोस डालते हैं एंड दोनों अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल अच्छे से दिया है एंड आप सेटिस्फाइड हैं. दोबारा ये क्वेश्चन आप हर वीडियो में नहीं पूछेंगे, सो आई होप आपको भी आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगा होगा. सो ये क्वेश्चन है मीन वाइल का. क्वेश्चन है, कैन यू कम टू बिहार फॉर ट्रैवल प्लीज रिप्लाई, बिग फैन फ्रॉम पटना. बिहार में जरूर आऊंगी, पता नहीं कब आऊंगी पर आऊंगी जरूर. नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डी क्रिप्ट का, आपके घर वाले जानते हैं क्या आपके YT चैनल के बारे में? हु मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट YouTube चैनल? सो गाइस ऑफ कोर्स मेरे घर वाले जानते हैं मेरे YouTube चैनल के बारे में एंड मोटिवेशन तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थी YouTube एंड ब्लॉगिंग से, बट मेरे भाई ने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड योर ब्यूटी एंड सो मच ऑफ पॉजिटिव वाइब्स? सो ये क्वेश्चन पूछा है प्रज्वल मिश्रा ने. तो आई थिंक स्लीप, बहुत सोती हूँ मैं, ब्यूटी स्लीप. चलते हैं मूविंग ऑन. इससे प्यारी लोकेशन क्या हो सकती है जवाब देने के लिए, राइट? डॉक्टर मनोज पावारा ने मुझसे पूछा है आपका फेवरेट जंक फूड कौन सा है. तो मेरा फेवरेट जंक फूड है भेलपूरी. आई डोंट नो कि आप उसको जंक फूड मानते हो या नहीं, बट मुझे भेलपूरी बहुत पसंद है. मैं दिन रात भेलपूरी पे जी सकती हूँ. फिर पूछा गया है BTG जी ने, क्या 2 AM घोष चैलेंज के बाद आपको कोई डरावने सपना है? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है एंड गाइस मुझे जेन्युइनली कोई डरावने सपने नहीं आए. आई थिंक वो इसलिए क्योंकि हम अंदर नहीं गए थे इतना, तो हम लोगों ने ज़्यादा मैस अराउंड नहीं करा. बट आप लोग अंदर मत जाना, सपने आते हैं, हमें नहीं आए बट इट्स ओके. अफनान अली ने बोला है, आई डोंट नो वाई यू आर सो क्यूट, मे बी मम्मी से इतने अच्छे गुड जीन्स मिले हैं इसलिए आई एम सो क्यूट. वैभव मार्स कोले ने पूछा है आपके हस्बैंड और आप कहाँ घूमने जाना चाहते हो? बिग फैन एंड प्लीज मेक अनदर घोस्ट व्लॉग, प्लीज प्लीज प्लीज. पहली बात तो घोस्ट व्लॉग में पार्ट 2 बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी. और दूसरी बात, आप और आपके हस्बैंड कहाँ घूमने जाना चाहते हैं? वेल हम घूमते ही रहते हैं, हम लोग ओवर 30 कंट्रीज घूम चुके हैं एंड अभी हम फुकेट जाने वाले हैं. और हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन, मेरी तो फिजी है. आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? यार वैसे तो आई थिंक जहाँ भी जाओ सारी ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाती है. एग्जैक्टली. आई थिंक आई वांट टू गो टू वेगास. तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है अनएम्प्लॉयड यूट्यूबर ने. बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपके आपके भाई से लड़ाई होती है और अगर होती है तो कौन किसको ज्यादा मारता है. तो बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है. मेरी और इसकी लड़ाई, मतलब हमारी इतनी लड़ाई होती है. एक वक्त तो मैंने इसके पेंट की बॉटल उठा के करी कि मैंने कहा कैच कर, और इसने कैच छूनी से लगी सॉर्ट सर पे लगी इसकी. उसके बाद इसने हमारी कब इतना लड़ाई मारा, होती इतना मारा इसने मेरे को, इतना मारा कि मैं क्या बताऊं. बस तब से मेरे को मारी जा रही है. मैंने आज तक कभी पेंट की बॉटल उठा के मेरे सिर पे मारी. मैंने इसको बोला कैच कर कैच, और इसको बस वो इतना मारा. ये सबको मारती है, मेरे को मारती है, टिकट को मारती है, और हर्ष जी को भी मारती है. ये झूठ बोल रहे गाइस. मैंने भी बहुत मार खाई है और इसने भी मुझसे बहुत मार खाई है. एक्चुअली हम एक दूसरे को, तीनों भाई बहनों ने बहुत मारा है. ये हाइट में लंबे निकल गए फिर भी इन्होंने मुझसे बहुत मार खाई है. क्वेश्चन मुझसे पूछा है रॉर मार्था फिल्म्स ने, आई डोंट नो इनका रियल नेम क्या है, आप जर्मनी कैसे गए थे? कितने बैंड लिए थे या टूरिस्ट वीजा था? क्या जर्मनी में PR है? ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन है जर्मनी से रिलेटेड कि मैं जर्मनी कैसे गई थी और मेरे पास PR है या नहीं. तो गाइस मैं जर्मनी गई थी बिकॉज हर्ष को अपने ऑफिशियल वर्क से जाना पड़ा था जर्मनी एंड हम लोगों को ब्लू कार्ड वीजा था तब एंड वी स्टेड देयर फॉर अबाउट 11 मंथ.
तो अगर आपको टूरिस्ट वीजा लगवाना है तो शेनेगन वीजा आपको इजीली मिल सकता है. आपको बस एम्बेसी विजिट करना पड़ेगा एंड अप्लाई करना पड़ेगा वीजा के लिए. सो टूरिस्ट वीजा के लिए तो बहुत इजी फॉर्मेलिटीज हैं, बट अगर आपको वर्क या एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे जाना है तो आपको उसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी. एंड आई एम श्योर आपको बहुत इजीली उसके लिए काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, हेल्प मिल जाएगी ऑनलाइन. क्वेश्चन मुझसे पूछा है मनु धीमान ने, ही आस्क कि आपका फेवरेट WWE रेसलर कौन है. तो जिनको नहीं पता, मैं WWE बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी पहले, मुझे बहुत पसंद था. अब मैं फॉलो नहीं करती इतना, बट जब मैं करती थी तब मेरे फेवरेट्स होते थे जॉन सीना, आई रिमेम्बर ही वॉज वेरी हैंडसम, ही वॉज वेरी हैंडसम, एंड अंडरटेकर मुझे बहुत पसंद था. स्पेशली जब उनका वो रूमर आया था कि वो मर के जिंदा हुए हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. डिस्पाइट दैट मुझे फाइट्स देखना काफ़ी पसंद था, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन एंड ट्रिपल एच की भी, बट मेरे फेवरेट ऑफकोर्स फेवरेट जॉन सीना ही थे, एंड ऑफकोर्स अंडरटेकर भी. सो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा कॉपीड वीडियोज ने. क्वेश्चन है, हेलो दी, माई नेम इज आर्या एंड आई एम फ्रॉम नेपाल, एंड वाई डिड यू पुट वॉन्डर्स हब एज योर चैनल नेम? नेम तो कोई भी रख सकते थे, बट वाई डिड यू चूज दिस? वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन आई मस्ट से, काफ़ी रेलिवेंट है ये क्वेश्चन. बाय द वे, जब मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रही थी, एक्चुअली मैंने पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट करा था, तो ऑल द पीपल आउट देयर जो रीडिंग पसंद करते हैं वो मेरा ब्लॉग ज़रूर चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई स्टार्टेड विद अ ब्लॉग इनिशियली, ताकि मैं वहाँ पर अपनी सारी स्टोरीज डाल सकूँ. वॉन्डर का मतलब होता है ट्रैवलर, जो इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है, लाइक अ हिप्पी. सो नॉट रियली अ हिप्पी, बट जो एमलेसली घूमता रहता है इधर उधर. सो आई थॉट इट गोज़ वेल विद माई पर्सनैलिटी, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा घूमती हूँ हर्ष के साथ, हम दोनों काफ़ी घूमते हैं. तो मैंने सोचा कि हम लोग वॉन्डरर्स हैं. सो वॉन्डरर्स इज़ लाइक मी एंड हर्ष, क्योंकि हम ट्रैवलर्स हैं. एंड हब मीन्स जहाँ भी हम जाते हैं वो हमारा हब बन जाता है, हाउस बन जाता है. सो द वर्ल्ड इज़ आर हाउस, एंड दैट्स हाउ ब्लॉग का नाम वॉन्डरर्स हब हुआ. अगर आप लोगों ने ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज चेक करा है तो आपको पता लग जाएगा मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का पूरा नाम वॉन्डरर्स हब ही है. सो वन आइडेंटिटी, वॉन्डरर्स हब. आई होप सबके मुंह पे वॉन्डरर्स हब आ जाए, अदरवाइज हैशटैग वॉन्डरर्स ऑफकोर्स. आई लाइक दैट. और हर्ष, तो अब तक आपको पता लग गया होगा पूरी दुनिया ही घूमना चाहते हैं. 196 कंट्रीज हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, 196 कंट्रीज हैं. मैं वो सारी कंट्रीज घूमना चाहती हूँ, हर्ष वो सारी कंट्रीज घूमना चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो सारी कंट्रीज घूमना चाहते हैं. इसी द इंडियन रेलवेज बोलते हैं, थिंक टू से मोर, बट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन 100K सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों की वजह से 100K हैं, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू यू. Guys, I hope आपको मेरा ये Q&A पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो give me a big thumbs up. Comments में मेरे को suggestions दो कि कैसी videos आप देखना चाहते हो, मैं वैसा ही relevant content बनाना चाहूँगी. Don't forget to subscribe this channel, hit the bell icon. I'll see you in the next video. Toodles.